नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे कि बाइक में जब भी हम कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्लच प्लेट डालते हैं और क्लच प्लेट डालते हैं तो बाइक जब चलती है तो ऐसे जर्किंग करती, इस तरीके से, यानी जब क्लच पकड़े हुए हैं फिर भी बाइक जर्किंग करती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने क्लच प्लेट डाल दिया या क्लच में काम किया, इंजन में काम किया, उसके बाद बाइक जब चला रहे हैं और बाइक दूसरे तीसरे गियर पर अपने क्लच दबाया तो खट 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 आवाज़ आती है, ठीक है। इसी से संबंधित हम आज आपको वीडियो बनाएंगे जो इससे क्लच पर डिपेंड करता है, ये किस कारण से होता है और हमने, हमारे पास क्या इसका सलूशन है, हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त। जो भी हमारे पास जानकारी है वो हम आपको देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम आपको बताते हैं, जैसे मेरे पास ये बाइक है, फिर हम इसको बताते हैं कि पैसे प्रॉब्लम किस तरह करती है, फिर उसको आपको हम बताते हैं किस तरीके सॉल्व करना होता है, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त बाइक यानी किस तरीके से प्रॉब्लम करती है हम आपको बताते हैं। इस बाइक में प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको चाहेंगे, जैसे मेरे दोस्त क्या होता है, जैसे यानी जब गाड़ी चलती है तो यानी इस तरीके, जैसे हम क्लच छोड़ते हैं या क्लच पकड़े हैं तो यानी हिलती रहती यानी कंपन जैसे करती रहती, ठीक है मेरे दोस्त। यानी इस तरीके से, यानी वो जो बाइक में क्लच में प्रॉब्लम होती है तो वो हल्की सी कंपन जैसे करती है, ठीक मेरे दोस्त। यानी आपको लगेगा इस तरीके से, यानी जैसे बाइक है आपकी, अब बाइक जब हम क्लच का काम करते हैं तो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, यानी क्लच दबाए हैं और थोड़ा सा भी छूटता है तब इस तरीके से जर्किंग करती है। इस बाइक में वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी तरह से बताते हैं कि जैसे आप जो तीसरे गियर में या दूसरे गियर में हैं और क्लच दबाते हैं तो बाइक में खटखट आवाज़ आती है, वो किस तरीके सॉल्व करना है और वो ये इस तरीके से जो जर्किंग करती है उस तरीके से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त देखिए, हमने क्लच खोल दिया, ठीक। क्लच खोल करके आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी, यानी आपको क्लच प्लेट और हब सेंटर नया डालना पड़ता है तो अक्सर क्या है कि ये जो क्लच प्लेट हो और हब सेंटर हो वो ओरिजिनल है तो ठीक, नहीं तो क्या होता है अगर डुप्लीकेट डालते हैं तो उसमें यानी लहर नहीं होना चाहिए। जैसे हम चला रहे हैं तो इसमें देखिए लहर नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये इस तरीके से आगे पीछे चल रहा या यानी ये ऊपर नीचे चल रहा ऐसे से, तो ये सब चीज़ रहेगा तो यानी ये प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे मेरे दोस्त। जैसे हम चला रहे हैं इसको, ठीक, तो यानी ये अब ये हल्का ढीला है इसके कारण से, यानी ये जैसे ढीला है तो इस कारण से कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आगे पीछे चाल चल रहे हैं, ठीक मेरे दोस्त। और ये ओरिजिनल होता तो उसमें ज़्यादातर शिकायत नहीं है, तो जो डुप्लीकेट होते हैं उसमें होता है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है मेरे दोस्त। फिर उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे हमने प्रेशर प्लेट लिया, ठीक। अब प्रेशर प्लेट जो होता है ये, यानी इसका सेंटर है, ठीक, सेंटर यानी इसको दबाता है, यानी जब स्प्रिंग फैलती है तो इस तरीके से और जब खींचता है तो इस तरीके से, ठीक। तो दबाव इधर से पड़ रहा है, इधर से खींचता है, ठीक। तो इसकी जो, इसमें उल्टा सीधा भी होता है, ठीक। देखिए जिधर सीधा होगा उधर यानी बिल्कुल सही होगा, ठीक। ये इधर देखिए उल्टा है मेरे दोस्त और इधर देखिए सीधा है, इधर बिल्कुल प्लेन जैसा रहेगा, ठीक, उधर थोड़ा खुरदा सा रहेगा, ठीक। तो चारों प्लेट इस तरीके से कर लिया, इधर से यानी प्लेट पकड़ के खींचे, ठीक। फिर देखें क्या होता है, इसको भी आपको चेक करना है कोई प्लेट इसमें टेढ़ी ना हो। जब भी आप डालते समय क्या होता है, जब भी ऐसी गाड़ी झरझराती है तो यानी प्लेट अगर टेढ़ी होगी तब होगी तो तब ये प्रॉब्लम होगी, या इसमें जैसे कोई टेढ़ी होगी तो आपको यहाँ पर उछाल जैसा महसूस होगा, समझ मेरे दोस्त। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर लिया तो अगर कोई भी प्लेट टेढ़ी होगी तो वहाँ पर यानी गैपिंग आ जाएगा, ठीक। इसको आप ज़रूर ऐसे ध्यान दें मेरे दोस्त। देखिए हम आप लोगों के लिए वीडियो जब भी बनाते हैं तो हम पहले उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में रखते हुए और हम अपने यहाँ प्रॉब्लम कई गाड़ियों में सॉल्व कर लेते हैं तब वीडियो बनाते हैं, ठीक। उसी तरीके मेरे दोस्त, जैसे हमने प्रेशर प्लेट चेक किया उसी तरीके आपको क्लच प्लेट भी चेक करना, ठीक मेरे दोस्त। देखिए जैसे क्लच प्लेट है, ये ओरिजिनल क्लच प्लेट है मेरे दोस्त, अभी हमने इसको ले करके आए हैं मेरे दोस्त। और देखिए अब जैसे इसको हम चेक कर रहे हैं, ये भी क्लच प्लेट अभी लेकर के आया, अभी फाड़ा, ठीक। तो इसकी जैसे क्या होता है, जैसे कोई प्लेट टेढ़ी होगी तो उसमें यहाँ पर प्लेट यानी गैपिंग आएगा, यानी जैसे ये जैसे हम पकड़े हैं तो इसमें क्या होगा, अगर कोई प्लेट होगी, अगर हम इसको इस साइड से बजाय इस साइड भी कर लेंगे, ठीक है, ऐसे हमने करने के लिए ऐसे कर लिया, तो जब टेढ़ी होगी तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऊँचा रहेगा, ऐसे जैसे ये बराबर है नहीं, ठीक, सारी प्लेट बिल्कुल बराबर से ऐसा नहीं, ऊंचा नीचा होगा, तो ये बिल्कुल आप समझिए बिल्कुल सही है, ऊंचा नीचा है तो प्रॉब्लम है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें कि कोई भी क्लच प्लेट टेढ़ी ना हो,
टेढ़ी होने के कारण बाइक में गियर टाइट उतरेगा और बाइक झड़झड़ाएगी। और जब आप तीसरे गियर में या चौथे गियर में या दूसरे गियर में क्लच दबाएंगे और गाड़ी बिल्कुल फ्री रहेगी तो उस समय खट 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 आवाज़ आएगी, ठीक। और ये आवाज़ तब भी आती है जब किसी किसी बाइक में क्लच लूज रहता तब। तो मेरे दोस्त इस बात को आप ज़रूर ध्यान देना कि क्लच बहुत ज़्यादा लूज होता तब, ठीक। फिर उसके बाद हम इसको लगाने का जो तरीका बताते हैं मैंने दोस्त, हमने जो इस तरीके से बताते हैं जैसे हमने एक क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट लेकर के सभी लोग यानी लगा देते हैं, उस तरीके से हमको भी लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमने उल्टा सीधा बताया था तो जो जिधर यानी साफ सुथरा है वो इस साइड रहेगा और खुरदरा वाला अंदर साइड, ठीक। इस तरीके से यानी उल्टा सीधा होता है, चाहे आप इस तरीके से लगा दें और नहीं समझ में आता तो उस तरीके लगा लें कि हम जो लगाते हैं वो इसी तरीके से लगाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगाना उचित है। और आपने यानी विशेष करके जब लोकल क्लच प्लेट होती हैं तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम 150 सीसी डिस्कवर में और 135 पल्सर में यानी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक। उसके साथ साथ वो प्रॉब्लम कहाँ से होती है मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हम मेरे पास बच्चे जब काम करते हैं दुकान में, भैया एक वाशर भी होता है, देखिए सर यहाँ पर एक मेरे दोस्त वाशर होता है, और वाशर हम पहले लगा दें तब आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वाशर 125 सीसी डिस्कवर, इसमें वाशर होता है, और किसी किसी में जिसमें यानी ये खूटी बड़ी होती है उसमें वाशर नहीं होता, ठीक मेरे दोस्त, ठीक। तो इसमें दो मॉडल के होते हैं क्लच हब सेंटर। और देखिए देखिए जब भी आपको क्लच लगाना हो, ठीक, तो इस तरीके से आप ज़रूर ध्यान दें, इस तरीके से बिल्कुल यानी फ्री घूमना चाहिए। अगर ये टाइट घूमे तो समझो प्रॉब्लम है, अगर बिल्कुल फ्री घूमे तो समझो कोई प्रॉब्लम है, ठीक। अब हम इसको टाइट करके तब दिखाते हैं मेरे दोस्त। देखिए अब हमने ये नट टाइट कर दिया, ठीक। आपको हमेशा यानी इस बात को ज़रूर ध्यान देना है कि ये बिल्कुल फ्री फ्री घूमना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टाइट लगेगा और ये गाड़ी जैसे 115 है या यानी प्लेटना है, CT 100 है, तो इसमें क्या होता है कि एक वाशर इसके पीछे आप हल्का से भी पतला से वाशर लगा देंगे तो जिससे कि यानी अगर टाइट टाइट अगर ये स्पेस ज़्यादा नहीं है हाफ सेंटर का तो दिक्कत करेगी, ठीक। अब मेरे देश मेरी बात समझिए, जैसे क्या है कि ऐसे फ्री घूम रहा, ठीक, तो आपको ऐसे नहीं टाइट करना, ठीक। कभी कभी क्या होता कि आप सारे बोल्ट इसके टाइट कर दिए फिर भी ये घूम रहा, तो उसको आपको ऐसा नहीं करना, ठीक। इसको आपको ध्यान देना है जब ये क्लच प्लेट यहाँ पर यानी जैसे जब यानी कभी कभी ये प्लेट फंस जाती है इसमें, जैसे फंस गई है, अब हम इसको बाहर को खींचे हैं, ठीक, और यहाँ पर बोल्ट भी टाइट कर देंगे तब भी ये फ्री रहेगा, लेकिन तब नहीं जब यानी ये प्लेट उसमें क्योंकि खुट्टी बनी होती है, और जब ये देखे अब ये बाहर को खींचेंगे तो ये पूरा साथ लेके घूमेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जब भी ये बाहर को खींचे और खींच करके यानी सब पूरा प्लेट पूरा क्लच समेत चले तब आप समझो सही है, ठीक। इस बात में बहुत सारे भाई लोग मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारे दुकान पर जो वर्कर लोग हमारे काम करते हैं वो लोग भी गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि भाई वो नए होते हैं और उनको जानकारी नहीं होती, और उसमें जो छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, हैं उस खांचे उसमें फंस जाते हैं और वो पूरी तरह बैठ नहीं पाती, तब ये प्रॉब्लम होती, ठीक। और विशेष करके मेरे दोस्त इस बात को ज़रूर ध्यान दें, ये प्लेट अक्सर टूट जाती है, ठीक। तो अक्सर टूटे क्यों टूटे ही, अगर हम इसको अच्छे से यानी सेट करेंगे तो नहीं टूटेगा, इसकी स्प्रिंग पूरी तरह बैठना चाहिए, ठीक। अब हम आपको थोड़ा बैठा के तब बताते हैं। अब देखें मेरे दोस्त क्या है कि आप इसको घुमा घुमा करके चारों बोल्ट बराबर से यानी चारों तरफ बराबर से, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा, ठीक, यानी यहाँ पर स्प्रिंग का सिरा एक सिरा यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए, ठीक। अगर ये सिरा यहाँ तक है तो ठीक, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको हम अंदर से उंगली डाल के इस तरीके से देखिए मेरे दोस्त ऐसे उंगली डाल करके चारों तरफ हम इसको बैठा लेंगे, ठीक। जब बैठा लेंगे तो स्प्रिंग यानी प्लेट कभी टूट नहीं सकती मेरे दोस्त, नहीं तो क्या होता हमारे दुकान पर भी और भाई लोगों की दुकान पर भी यानी अक्सर प्लेट ये टूट जाती है, और ये जरूरी नहीं कि आसानी से मिल जाए, कभी कभी आसानी से क्या बहुत मुश्किल से मिलती, ठीक। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें कि ये पूरी तरह से स्प्रिंग बैठी होना चाहिए, ठीक। अब हम इसको टाइट करके तब दिखाते हैं मेरे दोस्त क्या होता है, ये टाइट करने से ही विशेष करके ये प्रॉब्लम होती है, समझ मेरे दोस्त। हमने इसके पहले जैसे आप यानी एक NS में भी ऐसी प्रॉब्लम थी, एक हमारे पास आज ही एक गाड़ी Star City आई, वो बच्चे लोग कुछ लोग यानी हमारी दुकान पे नहीं बनी थी वो बाइक में, लेकिन क्या होता था उसके गियर बहुत टाइट चलते थे, ठीक। और NS में क्या होता था जब हम उसको चलाते थे और तीसरे गियर में चौथे गियर में जब हम क्लच दबाते थे उसमें खटखट आवाज़ आती थी, ठीक है। तो उसको हमको करना क्या है, ये जैसे बोल्ट है
इसको हमको बराबर से टाइट करना है, यानी ऐसा नहीं कि हम एक तरफ ज़्यादा टाइट कर दें एक तरफ कम टाइट कर दें, यानी थोड़ा थोड़ा करके, यानी हम अगर बराबर से टाइट कर देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम चाहेंगे कि भाई तिरछा टाइट करेंगे तो ये प्रॉब्लम अक्सर आती, सबसे विशेष करके आप बात इस वीडियो में विशेष करके मेरे दोस्त ये बात ज़रूर ध्यान देना कि जिसमें जैसे आप कोई लोहे की प्लेट है लेकिन फिर भी उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आपको विशेष जब भी ध्यान देना कि ये प्लेट जो होती है इसको आप बराबर से टाइट करना, यानी तिरछी ना टाइट करना, तिरछी टाइट करने से ये प्रॉब्लम होती मेरे दोस्त। तो सबसे मेन हमने जो आपको पॉइंट बताया है, आपको ये बताया है, और फिर हम आपको अब क्या है कि अब हम आपको ये बाइक को चला करके दिखाते हैं मेरे दोस्त, कि इसमें जब हम इसको बांध देते हैं और फिर उसके बाद चला के दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ठीक है ज़्यादातर। लेकिन अभी इस जब हमने इसको जैसे जो बाइक में हम काम करते हैं उस बाइक में प्रॉब्लम नहीं आती, जिस बाइक में बच्चे लोग काम करते हैं तो वो लोग ये थोड़ा सा तिरछा बांध देते हैं, यानी एक बोल्ट को ज़्यादा टाइट किया एक बोल्ट को कम टाइट किया, यानी पहले और फिर बाद में सारे चेक कर देंगे, लेकिन अक्सर तभी हो जाता है। तो मेरे दोस्त इस बात को आप ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि जितनी बाइक में हमने फिर जो भी बाइक में ऐसी समस्या आई, खटखट आवाज़ या गियर बाइक झरझराती है यानी पहले गियर में, तो उसमें हमने क्या किया, अपने हाथ से हमने खोल करके उसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये बोल्ट को प्लेट को सही से सेट कर दिया, बांध दिया दोबारा, और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम फिर नहीं होगा, ठीक। देखिए मेरे दोस्त, हमने क्लच, देखिए क्लच पे डाल दिया है, जब छोड़ते तभी बढ़ती है, यानी और इसमें चाहे हम, यानी हम चाहे मेरे दोस्त देखिए गियर उतर के, ठीक है दोस्त। अब मेरे हिसाब से देखिए मेरे दोस्त, ना ही एक भी बार यानी इसमें गियर फंसने जैसी प्रॉब्लम हो रही, और ना ही इस तरीके से, क्योंकि मेरे दोस्त हम आपको इस बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं थी, पर हमारे पास जो हमने इस बीच बहुत सारे भाई लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया, कमेंट लिखा, तो इस कारण से हमने ये वीडियो बनाना चाहा, और हमने जो प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व किया, ठीक मेरे दोस्त। और आप हमारे और भी वीडियो देखते हैं तो हमने आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी वाला काम किया हो, फ्रॉडियल काम किया हो, बिल्कुल जो सही और सटीक बात रही हमने वही आपको बताया, जो हमने यानी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं मेरे दोस्त, जैसे हम करते हैं वैसे आपको बताते हैं, ठीक। तो जो भी हमारे पास अनुभव था बताया कि जैसे आपकी बाइक में खड़खड़ाहट की आवाज़, यानी खड़खड़ की जो तीसरे गियर में खड़खड़ाहट की आवाज़ वो, और जैसे गियर आपकी जर्किंग करता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो हमारे समझ में आया मेरे दोस्त, तो हमने आपको बताया, चाहेंगे कि हमारा वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।